अभी हम लोग डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट पोर्ट्स के लिए आप पीसी को बैक साइड में आप ये डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स आप देख सकते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसको PS2 पोर्ट कहते हैं। इसमें 6 पिन का कनेक्टर इसमें कनेक्ट होता है। ये एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। ये ब्लू कलर PS2 पोर्ट में कीबोर्ड कनेक्ट होता है और ये ग्रीन कलर का PS2 पोर्ट में माउस कनेक्ट किया जाता है। इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे ये 9 पिन का कनेक्टर आप देख सकते हैं। ये डी शेप में है, जो इसको सीरियल या तो कॉम पोर्ट कहा जाता है। ये पोर्ट से हम कोई भी माउस, एनी सीरियल डिवाइसेस लाइक माउस या मॉडेम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 25 पिन का LPT पोर्ट या प्रिंटर पोर्ट कहते हैं। इसमें आप प्रिंटर, मोस्टली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसी में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इसे VGA कनेक्टर कहते हैं। ये इसमें आप मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। ये 15 पिन का कनेक्टर होता है और मोस्टली डिस्प्ले डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये VGA कनेक्टर यूज किया जाता है। इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये जो है USB कनेक्टर है। ये 4 पिन का कनेक्टर होता है और ये कोई भी USB डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट्स यूज किया जा सकता है। मोस्टली अभी जितने सारे डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, कैमरास, सब मोस्टली सारे डिवाइसेस USB में आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 8 पिन का एक LAN पोर्ट कहते हैं इसको। ये RJ45 का कनेक्टर होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे नेटवर्किंग का केबल इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये साउंड के लिए होता है। 3-in-1 साउंड कनेक्टर इसमें होता है। ये जो पहला कनेक्टर है इसमें आप माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्पीकर आउट होता है, यहाँ पे साउंड यहाँ से निकलता है। मीन्स यहाँ पे आप एनी माइक्रोफोन और एनी स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इनपुट आता है जिसके थ्रू आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में जान सकते हैं।